हिंदू वादी थे जो कि अपने ज्ञान से बनाना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा कि मेरा ही है मुस्लिम बनाइएगा, ऐसा कीजिए क्योंकि पूरे भारत के भी शिक्षक हैं उनके जन्म दिवस के रूप में मतलब मनाइए, तो उसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया जो 5 सितंबर जो आज के दिन है, और तभी से हम लोग या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इनको कहा जाता है कि शिक्षक होते हैं राष्ट्र के निर्माता होते हैं, राष्ट्र यानी कि देश के निर्माता होते हैं, शिक्षा के ही हाथों में सब कुछ होता है, क्योंकि अपने ज्ञान के प्रसार से किसी विद्यार्थी को सैनिक बना देते हैं, किसी विद्यार्थी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी विद्यार्थी को इंजीनियर बना देते हैं, किसी विद्यार्थी को IPS बना देंगे, मतलब एक शिक्षक के ही हाथों में पूरा देश का डोर रहता है, और समझिए कि वो रथ को चलाता है और उसके उसी से है पूरे देश को चलाता है। तो हम सभी छात्रगण और जो भी मतलब स्टूडेंट है अभिभावक है, हम सबको मिलकर इस दिन या मतलब पूरे जो भी वर्ष है कभी भी शिक्षक को हमेशा सम्मान करना चाहिए, और उनके जो बातें हैं या उनसे जो सीख मिलती है उनके राहों पे हमेशा चलना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि शिक्षक का मनोबल और बढ़ता है और पढ़ाने में भी उनका बहुत अच्छा मन लगता है। शिक्षक हमेशा एक कुम्हार के भांति काम करते हैं, जैसे कुम्हार एक बर्तन बनाता है तो अंदर से उसको हाथ लगा के बाहर से पीटता है ताकि वो बर्तन जो है हमेशा मजबूत रहे, और वही शिक्षक का भी काम है, हमेशा अपने शिष्यों को ठोकते या पीटते रहता है ताकि वो अपने सही मार्ग से भटके नहीं। इससे बच्चे आप लोग दुखी और नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अगर शिक्षक आपको पीटेगा नहीं जब तक आपको सही मार्ग का ज्ञान होगा नहीं, लेकिन शिक्षक कोयले से भी हीरा तराश देता है, कोयले के खदान से भी हीरा पता करता है छोड़ता है, वही जो कम दिमाग के बच्चे होते हैं उनको अपने मेहनत के बदौलत पढ़ा लिखा कर उसे भी उस हीरे के जैसे चमका देता है जिसका कोयले से कई गुना महत्व आगे बढ़ जाता है। तो ये होते हैं शिक्षक। देखिए हम सब आज प्रेरणा लेंगे कि कभी भी अपने गुरु का आकर और उनका और जो भी प्रेम है उनका भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उनका कर्ज होता है हमारे ऊपर बहुत माँ बाप जन्म दे देते हैं, लेकिन आगे जीवन के जो शैली है उसको चलाने के लिए शिक्षा का ही अहम भूमिका रहता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान है, और इतना ही कहकर मैं अपने बात को बुझा दूं।